दोस्तों आधार कार्ड में सुधार करने के लिए कई बार हम आधार सेवा केंद्र जाते हैं, लेकिन वहाँ पर दोस्तों लोगों का इतना लंबा लाइन होता है कि हम दोस्तों अपना वहाँ पर काम नहीं करा पाते हैं, और कराते भी हैं तो बहुत बार हमें चक्कर लगाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों अब आपको चक्कर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप अपने मोबाइल से ऑनलाइन के माध्यम से सिर्फ 50 रुपये के पेमेंट करके आप अपने आधार कार्ड में कुछ भी सुधार कर सकते हैं घर बैठे हुए, वो भी अपने मोबाइल से, जिसकी कंप्लीट प्रोसेस आज की इस वीडियो में दिखाने वाला हूं दोस्तों कि 2022 में आप अपने आधार कार्ड में कैसे कुछ भी सुधार करेंगे। बने रहिए हमारी इस वीडियो में शुरू से अंत तक। मैं हूं इम्तियाज, आप देख रहे हैं इम्तियाज यूट्यूबर चैनल। आइए आज के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं अपने आधार कार्ड में नाम और एड्रेस को चेंज करके दिखाऊंगा। अगर दोस्तों आप अपने आधार कार्ड में कुछ और चेंज करना चाहते हो, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया, तो वो भी आप इसी प्रोसेस के माध्यम से चेंज कर सकते हो। और दोस्तों चेंज करने के लिए आपको इस पेज पर आने होंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं। आने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको इस टाइप के इंटरफेस शो होगा, तो यहाँ आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। दोस्तों जो आपके आधार नंबर होगा वो आधार नंबर यहाँ पर देंगे, ये वाला कैप्चर को इस जगह में फिल करेंगे और फिर सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। दोस्तों याद रखें कि उन्हीं का आधार कार्ड आप ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं जिनका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है। जो मोबाइल नंबर लिंक होगा आपके आधार के साथ दोस्तों, उस पर एक ओटीपी आएंगे, ओटीपी को यहाँ इस जगह में डाल देना है और डालने के बाद लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से एक पेज ओपन होगा। यहाँ दोस्तों आप प्रोफाइल वाले आइकन पर क्लिक करके आप अपने आधार कार्ड को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसमें जो अपडेट करना चाहते हैं, तो अपडेट करने के लिए सिंपली आपको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आना होगा, और यहाँ पर आपको शो हो रहा है दोस्तों अपडेट आधार ऑनलाइन, इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है। उसके बाद प्रोसीड टू अपडेट आधार पर क्लिक करेंगे, सामने एक और नया पेज खुल के आ जाता है, और यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है कि आप अपने आधार कार्ड में क्या चेंज करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर नाम दिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और एड्रेस, इनमें से आप क्या चेंज करना चाहते हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों हम इसमें अपना नाम और एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, तो चलिए हम पहले यहाँ नाम वाले पर टिक कर लेंगे, उसके बाद एड्रेस वाले पर टिक कर लेंगे, उसके बाद यहाँ प्रोसीड टू अपडेट आधार पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करते हैं, आपके आधार कार्ड में जो पुराना नाम होगा वो नाम यहाँ पर शो होगा। उसके बाद दोस्तों ये आपसे कह रहा है कि यहाँ पर आप अपना नया नाम डालें, और ठीक स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको शो होगा कि यहाँ पर नाम का हिंदी में टाइप करें। ऑटोमेटिक अगर ये हिंदी आ जाता है तो ठीक है, अगर उसमें दोस्तों कोई गलती है तो आप उसको करेक्शन कर लेंगे। करेक्शन किस प्रकार से करेंगे कि आप अपने मोबाइल के हिंदी कीबोर्ड को सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करके यहाँ से उसको सुधार कर लेंगे। जो आपके लोकल लैंग्वेज में नाम होगा, जो भी लोकल लैंग्वेज आपके आधार कार्ड में होगा, वो लोकल लैंग्वेज में यहाँ शो होगा। मेरा हिंदी है तो यहाँ पर हिंदी शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है कि डॉक्यूमेंट, आप नाम चेंज करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। दोस्तों क्लिक करने के बाद इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट शो होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, किसान पासबुक वगैरह वगैरह, बहुत सारे इसमें डॉक्यूमेंट है दोस्तों। तो हम यहाँ पर आधार लेटर देंगे, तो हम यहाँ आधार लेटर सिलेक्ट कर लेंगे। आधार लेटर सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद दोस्तों आपको इसमें अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। दोस्तों डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए उससे पहले आपको अपना डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लेना होगा। जैसे कि मैंने अपने फ़ोन के कैमरा से डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लिया है, और इसमें दोस्तों हमने साइज भी बना लिया है। दोस्तों जो डॉक्यूमेंट का साइज होगा वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और PDF में होनी चाहिए। तो हमने उसको स्कैन करके PDF में बना लिया है, तो अब हम इसको अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए यहाँ व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट पर आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू टू अपलोड इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके गैलरी खुल जाएंगे। आपके गैलरी में जहाँ कहीं भी डॉक्यूमेंट होगा वहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों सिलेक्ट करने के बाद हमारा यहाँ पर डॉक्यूमेंट आ गया। उसके बाद हम यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपके आधार कार्ड में जो भी एड्रेस अपडेट होंगे वो एड्रेस यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा पुराना एड्रेस शो हो गया है। सिंपली हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे, केयर ऑफ में डाल देंगे जो भी आपके केयर ऑफ में होंगे, जैसे कि आपके फादर के नाम, या अगर आप शादीशुदा हैं कोई महिला है तो उनका हस्बैंड का नाम, उसके बाद वो नाम यहाँ पर हिंदी में डाल देंगे। फिर अपना घर का यहाँ पर डाल देंगे, हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर, अपार्टमेंट डाल देंगे। अगर आप गाँव से हैं तो आप यहाँ पर अपने गाँव के नाम लिख देंगे इंग्लिश में। उसके बाद स्क्रोल डाउन करके नीचे आएंगे, और इस जगह में दोस्तों आपको हिंदी में लिख देना है। उसके बाद यहाँ स्ट्रीट रोड लाइन लिख देना है, उसको हिंदी में यहाँ पर लिख देना है। फिर से
स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे, यहाँ से एरिया लोकेलिटी सेक्टर डाल देंगे, उसको हिंदी में लिख देंगे। अगर कोई लैंडमार्क है तो यहाँ डाल देंगे, नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर आप लैंडमार्क डालेंगे तो उसका भी यहाँ पर हिंदी में डालना होगा। और यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा पिन कोड, तो यहाँ पर उनका पिन कोड डाल देंगे। पिन कोड डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर विलेज सिलेक्ट करने का है कि आप कौन से गांव से हैं। तो यहाँ पर जैसे आप पिन कोड डाल देते हैं, यहाँ पर गांव का नाम शो होगा, तो आप यहाँ से गांव का नाम सिलेक्ट कर लेंगे, वो यहाँ हिंदी में आ जाएगा। फिर स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पर शो होगा पोस्ट ऑफिस, तो यहाँ आप अपना पोस्ट ऑफिस डाल देंगे, उसको पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ हिंदी में डाल देंगे। यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे और डिस्ट्रिक्ट यहाँ हिंदी में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, स्टेट आपका हिंदी में आ जाएगा, कौन से स्टेट से हैं। आगे मैंने आपको जो चीज़ बताया डॉक्यूमेंट किस प्रकार से अपलोड करने हैं, वैसे ही आप दोस्तों इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे, यहाँ से प्रूफ सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपलोड पर क्लिक करेंगे तो गैलरी खुल जाएगा, तो आप अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेंगे। आपके एड्रेस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, जैसे इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट दोस्तों दिए हुए हैं एड्रेस में देने के लिए। सबसे पहले आधार लेटर है, एड्रेस सर्टिफिकेट, आधार लेटर है, एड्रेस सर्टिफिकेट बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आर्म लाइसेंस, बैंक स्टेटमेंट, वृद्धा कार्ड और भी बहुत सारे इसमें हैं। आप देख सकते हैं कि सर्टिफिकेट विलेज पंचायत, ये भी आप दोस्तों दे सकते हैं। इसमें पासपोर्ट वगैरह, वोटर आईडी वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस सब कुछ है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल सब कुछ आप दे सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर इन सारे प्रोसेस को कंप्लीट करके उसके बाद यहाँ आपको दोस्तों शो हो रहा होगा नेक्स्ट, यहाँ नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने आपने जो भी अपडेट किया है उसका प्रीव्यू आ जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर नाम शो हो रहा है, फिर यहाँ नीचे हिंदी में शो हो रहा है। अगर आप मिस्टेक हो जाता है तो आप यहाँ एडिट पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो एड्रेस हमने अपडेट किया था वो हमारा यहाँ पर एड्रेस शो हो रहा है। दोस्तों अगर आप अपना एड्रेस में भी कुछ मिस्टेक कर दिए हो तो आप यहाँ पर दोस्तों एडिट में क्लिक करके उसे सुधार कर सकते हो। स्क्रोल डाउन करके नीचे आएंगे, इन दोनों बॉक्स को चेक कर देंगे। चेक करने के बाद फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों इसमें आपको ₹50 की पेमेंट करने पड़ेंगे, तो चलिए हम यहाँ पर पेमेंट कर लेते हैं। और पेमेंट करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ इस बॉक्स को चेक कर देना है, तो चलिए हम इस बॉक्स को चेक कर देते हैं। उसके बाद मेक पेमेंट पर क्लिक करते हैं। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद पेज को रिफ्रेश नहीं करेंगे, ये आपको दोस्तों डायरेक्ट पेमेंट गेटवे पर भेज देगा। आप इसकी पेमेंट कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि पेटीएम, फ़ोन नंबर, अमेजन पे, नेट बैंकिंग, और यहाँ पर आप दोस्तों क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों हम यहाँ पर डेबिट कार्ड से पेमेंट करेंगे, तो डेबिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए आप यहाँ कार्ड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहां पर एक नया पेज ओपन होकर आ जाता है। यहां पर आप अपना कार्ड नंबर देंगे, कार्ड की एक्सपायरी मंथ और ईयर देंगे, उसके बाद सीवीवी देंगे जो कार्ड के पीछे 3 डिजिट का लिखा रहता है, कार्ड होल्डर का नाम देंगे और उसके बाद यहां पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो आपके बैंक से जो भी OTP आता है उस OTP को यहाँ पर फिल कर देंगे, उसके बाद कंप्लीट पेमेंट पर क्लिक करेंगे। सक्सेसफुली हमारा पेमेंट हो गया है, जैसे कि आपको यहाँ पर SMS शो हो रहा होगा सक्सेस का। यहाँ से आप डाउनलोड एक्नोलॉजमेंट पर क्लिक करके आप अपना एक्नोलॉजमेंट स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे आपके सामने यहाँ पर शो हो रहा होगा गो टू डैशबोर्ड, इसके ऊपर में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से आप वहीं पर आ जाएंगे। आने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो हो रहा होगा दोस्तों आधार अपडेट, तो यहाँ इस पर क्लिक करके आप अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा ड्राफ्ट स्टेज भी कंप्लीट हो गया, पेमेंट स्टेज भी कंप्लीट हो गया। वेरिफिकेशन स्टेज होने के बाद दोस्तों वैलिडेशन स्टेज जाएगा और फिर यहाँ पर कंप्लीट जाएगा। अगर रिजेक्ट होता है तो उसके रीज़न आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको टाइम टू टाइम स्टेटस चेक करते रहना है। जैसे ही आपका सक्सेसफुली अपडेट हो जाता है तो आप अपने आधार कार्ड को डाउनलोड करके और अपने मोबाइल में ई आधार कार्ड रख सकते हैं। सो गाइस, आई होप कि हमारी ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो को कर दीजिए एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस करिए। मिलते हैं इसी के साथ एक और नई वीडियो में। इससे जुड़ा कोई डाउट है आपके मन में, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।